हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा हैमर, और जानेंगे हैमर के बारे में कि हैमर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हैमर कौन से मेटल का बना होता है, हैमर का साइज कैसे लिया जाता है, टाइप्स ऑफ हैमर यानी जो हैमर है कितने प्रकार के होते हैं, कंप्लीट्स और विद इन डायग्राम के अकॉर्डिंग। और इस बोर्ड के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट्स हैमर का जो चैप्टर है वो करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है हैमर, और हैमर को हिंदी में बोला जाता है हथौड़ा। तो आइए जान लेते हैं हैमर की डेफिनेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी शॉर्ट आउट करके। अगर इसको एक या दो बार अगर रीड कर लेते हो, इसको पढ़ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी डेफिनेशन यानी इसका परिचय लिखा हुआ है। यह एक प्रकार का हैंड टूल है। इसका प्रयोग धातु को ठोकने व पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है प्रिय विद्यार्थियों की हैमर जो होते हैं, हथौड़ा जो होता है, किसी भी धातु को ठोकने या पीटने के लिए या किसी भी धातु को बेंड करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं हैमर जो है वो कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल। तो प्रिय विद्यार्थियों, हैमर जो होते हैं ये हमेशा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। यह प्राय कास्टील व ड्रॉप फोर्ज करके कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हैमर जो है वो कौन सी धातु के बनाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर आपको करना है कास्ट स्टील। तो आइए अब जानते हैं हैमर का साइज कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज। इसका जो साइज है वो भार यानी वजन से लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी आपके जो हैमर जो होते हैं उनका जो साइज है वो हमेशा वजन में ही लिया जाता है। जैसे 1 kg है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ठीक है ना। हैमर का जो वजन जो होता है, हैमर के ऊपर आप देखना कभी भी उसके चीक के ऊपर उसके ऊपर वजन लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है ना, यानी हैमर जो है मुख्य कितने प्रकार के। तो प्रिय विद्यार्थियों, हैमर जो मुख्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पे देखिए हैंड हैमर, और नंबर 2 पे है स्लेज हैमर, और नंबर 3 पे है पावर हैमर, और नंबर 4 पे है सॉफ्ट हैमर, और नंबर 5 पे रहेगा आपका कला हैमर। ये 5 प्रकार के हैमर होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे दिया हुआ है हैंड हैमर। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम जान लेते हैं। हैंड हैमर यह एक प्रकार का हैंड टूल है। इसका प्रयोग किसी भी धातु को ठोकने पीटने या फिर रिफ्टिंग करने के लिए या फिर वेंडिंग करने के लिए या फिर किसी भी दो असेंबलिंग पार्ट्सों को, ठीक है ना, फिट करने के लिए हैंड हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हैंड हैमर है ये मुख्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन सा है? बॉल पेन हैमर है, ठीक है ना। किस में आता है? ये हैंड हैमर में आता है। नंबर 2 है स्ट्रेट पेन हैमर, ये किस में आता है? ये भी हैंड हैमर में आता है। नंबर 3 पे है क्रॉस पेन हैमर, ये किस में आता है? ये भी हैंड हैमर में आता है, ठीक है ना। तीनों जो हैंड हैमर है ये हमेशा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। इसका जो मैं साइज की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हैंड हैमर का साइज होता है 1-5 ग्राम से लेके 1.5 kg तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए बॉल पेन जो हैमर है इसका प्रयोग रिफ्टिंग करने के लिए किया जाता है या फिर पंचिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वर्कशॉप में हम जॉब के ऊपर पंचिंग करते हैं तो कौन से हैमर से करते हैं? बॉल पेन हैमर से करते हैं। कितने का हम यूज करते हैं वजन का? 250 ग्राम का, ऐसे आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये कौन से हैमर का बना हुआ है? ये भी आपका मैंने बॉल पेन हैमर का बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जितने भी आपके हैमर होते हैं, चाहे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या फिर मैकेनिकल हो, उसके अंदर ये हैमर आपको जरूर देखने को मिलता है, कॉमन हैमर है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका डायग्राम आपको बोर्ड के माध्यम से पूरा समझाऊंगा कि भी इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो पूरा जो बना हुआ है ये आपका है बॉल पेन हैमर, और ऊपर का देखिए ये जो ऊपर का जो राउंड आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है? बॉल पेन हैमर रख दिया, क्योंकि ऊपर का इसका बाल के आकार का है, तो इसीलिए इसका जो ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं? हैमर के पेन बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे का जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं?
फेस बोलते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला। तो ये जो पेन और जो फेस होते हैं इसके जो मुख्य भाग यही होते हैं और इनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है इसको हार्ड एंड टेम्पर? क्योंकि जब हम किसी भी धातु को पीटते हैं, ठीक है ना, तो इसके जो पेन और फेस है वो ख़राब ना हो। उसके बाद में देखिए हैमर के जस्ट जो पेन है, पेन के जस्ट नीचे की तरफ देखिए गुलाई है नाल की, इसको हम नेक बोलते हैं, या नेक मीन्स क्या होती है, गर्दन। उसके बाद में देखिए एक अंडाकार का एक होल है, इसको हम आई होल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आई होल। आई होल के बीच में देखिए क्या एक छोटा सा मैंने निशान सा लगाया हुआ है, ये आपका जो हैमर जो है ना ये इस तरफ निकलेगा, ठीक है ना। तो उसके आगे एक फन्नी ठोक दी जाती है, किस जाती है वो, क्योंकि जब हम किसी भी जॉब के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं या किसी भी धातु को ठोकते पीटते हैं तो वो आगे से निकल ना जाए, ठीक है ना। तो इसलिए एक फन्नी लगा दी जाती है, इस फन्नी को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में देखिए ये हैमर का जो नीचे का जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे से हल्का सा गोल सा होता ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद में है ये जो कम्प्लीट जो जिसपे 1.5 केजी जो लिखा हुआ है, इसको हम चीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीक। तो हमेशा चीक के ऊपर ही हैमर का वजन लिखा हुआ होता है, ये आपका क्या है, हैंडल है। तो ये कम्प्लीट से हैमर के पार्ट्स से। उसके बाद नंबर दो पे चलते हैं, स्ट्रेट पेन हैमर। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि स्ट्रेट पेन हैमर, पेन कौन सा है इस हैमर में, ये वाला है। इसका जो ऊपर का जो सिरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब सीधा है, ठीक है ना। उस हैमर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी जॉब यानी वी आकार का कोई खांचा है उसके अंदर रिवटिंग करने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर थ्री पे है क्रॉस पेन हैमर, ठीक है ना। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है क्रॉस पेन, ये जो हैमर जो है ना इसका जो पेन है वो बिल्कुल ऐसे क्रॉस में मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्रॉस पेन। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ में वी आकार का कोई स्लॉट हो क्रॉस के अंदर हो, ठीक है ना, वहाँ पे क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब चलते हैं नंबर दो पे, स्लेज हैमर। तो प्रिय विद्यार्थियों स्लेज किसको बोलते हैं, घन को बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं स्लेज को, घन को बोलते हैं। घन का प्रयोग या हम जो ड्रॉप फोर्जिंग करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे घन का प्रयोग किया जाता है, यानी स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि स्लेज जो हैमर है वो कितने वजन से स्टार्ट होता है और एंड तक कहाँ तक होता है, तो स्लेज हैमर का वजन होता है 2 kg से लेके 10 kg तक, ठीक है ना, एक तो ये याद रखना। दूसरा स्लेज जो हैमर है इसका जो हैंडल लगाया जाता है, हत्ता जो लगाया जाता है वो कितने mm का लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपका 600 mm से लेके, ठीक है, 900 mm इसका हैंडल। तो ये था आपका स्लेज यानी घन। उसके बाद में है नंबर थ्री पे है पावर हैमर। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए नाम से पता चल रहा है, यानी पावर हैमर यानी बिजली का हथौड़ा, ठीक है ना, हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे ना, बिजली का हथौड़ा। यानी ये जो हैमर जो है ये बिजली से चलता है, पावर से चलता है। ड्रॉप फोर्जिंग करनी हो या फिर कोई मास प्रोडक्शन करना हो, यानी एक ही जिस तरह मान लो कोई भी चीजल बनानी है कंटिन्यू आगे से छेदना है उसको, ठीक है ना, तो हम क्या काम करेंगे, कंटिन्यू वहाँ पे एक हैमर लगा देंगे जो कि एक मोटर से ऊपर या नीचे उसको फोर्ज करेगा, ठीक है ना। तो ये हैमर का, इस हैमर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग करने के लिए या फिर मास प्रोडक्शन करने के लिए पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर फोर पे हम चलते हैं सॉफ्ट हैमर। देखिए नाम से प्रतीत होता है सॉफ्ट का मतलब क्या है, मुलायम, ठीक है ना। इस ये जो हैमर है ये नॉन मेटल के बनाए जाते हैं कुछ, या फिर सॉफ्ट धातु के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट धातु में कौन सी आएगी, जैसे एलुमिनियम की आएगी, नॉन मेटल में नायलोन का आ जाएगा आपका, वुडन का आ जाएगा, प्लास्टिक का आ जाएगा, ठीक है ना, और काफ़ी सारे जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके भी हैमर बनाए जाते हैं। इन ये जो सॉफ्ट हैमर है इनका जो प्रयोग है, एक तो शीट मेटल में किया जाता है। शीट मेटल में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम मेटल के उसका मेटल का अगर हैमर का प्रयोग करेंगे तो उसको ख़राब कर देगा, बैंड कर देगा, इसलिए सॉफ्ट हैमर के बनाए जाते हैं, हल्की चोट लगाने से भी उस पार्ट्स पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में है आपका कला हैमर नंबर फाइव पे। कला हैमर का प्रयोग अधिकतर कारपेंट्री शॉप में किया जाता है, ठीक है ना। कारपेंट्री शॉप का मतलब क्या है, जहाँ पे लकड़ी का कार्य किया जाता है, जहाँ पे कोई कील अगर हम लगाते हैं कई बार बैंड हो जाती है या फिर मुड़ जाती है, उसको निकालना मुश्किल होता है, वो किससे निकालते हैं, वो आपके इसे कला हैमर से निकालते हैं। क्योंकि इसका जो पेन है उसमें इस आकार की एक स्लॉट कटी होती है, ठीक है ना, उसमें कील फंसा के ऐसे निकाल लिया जाती है।
जो कील है वो आसानी से निकाल ली जाती है। तो वो किससे निकालते हैं, कला हैमर से निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये कंप्लीट्स जो था मैंने आपको बता दिया है जो हैमर जो मुख्य कितने प्रकार के थे। तो आइए अब जानते हैं कुछ सेफ्टी जान लेते हैं कि हैमर की कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर एक पे आपको याद रखना है हमेशा करिए के अनुसार ही हैमर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। नंबर दो पे फटे हुए हैंडल वाला हैमर है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री हैमर के पेन और फेस पे कभी भी आपको ऑयल नहीं लगाना चाहिए। नंबर फोर पे कार्य करने के बाद हैमर को साफ करके उचित स्थान पे रख देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी कंप्लीट्स हैमर के बारे में कुछ मैंने सावधानियां भी आपको बताई है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।